audio is done. टेक्निकल गाइड प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एक्सेल के अंदर एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट से आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म जनरेट होकर मिल जाए, उसका प्रिंट आप उसको प्रिंट कर लें उस फॉर्म को। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फर्ज किया कि एक हमने लिस्ट बना ली है इस तरह कि एक जनरल लिस्ट मैंने बनाई है, जैसे कि एक सीरियल नंबर हमने कोई भी दे दिया है एक प्रॉपर सीरियल वाइज, उसके साथ किसी भी बंदे को हम इशू करना चाह रहे हैं इक्विपमेंट, ये हमारे पास एक लिस्ट व्यू में डाटा आ जाएगा पूरा। हम इसके अंदर कोई भी चीज़ है, जैसे टेलीफोन है, इसका सीरियल नंबर ये है और इसका यूज़र नेम ये है, ये फलाने यूज़र के पास है, हमने इसकी एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये लिस्ट का जो डाटा है ये हमें एक फॉर्म की शक्ल में मिले। अब हम हर किसी को कॉपी पेस्ट करके फॉर्म तो नहीं बना सकते, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाए, मैं नंबर डालूँ ये फॉर्म पूरा बन जाए और मैं उसको प्रिंट करूँ। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है एक्सेल के अंदर, इसको बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप का जो फार्मूला ये कि इसका काम क्या होता है कि इसको पूरा डाटा हम दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारी पूरी लिस्ट है, हम इसको नीचे तक भी लेके जा सकते हैं जहाँ तक भी आपको ज़रूरत है। ये टेस्टिंग के लिए मैंने छोटी लिस्ट बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको बताएंगे कि ये हमारा डाटा है सारा। अब इस डाटे के अंदर से हम एक नंबर उसे दे देंगे लेफ्ट साइड का, मोस्ट लेफ्ट को भी डाटा देंगे इसे, ये इस डाटे के साथ मैच करके ये आगे वाला डाटा उस फॉर्म में फिल करेगा ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम आगे करेंगे। अभी हम जाते हैं, ये मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है टेम्परेरी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म के अंदर फार्मूला कैसे लगाते हैं। एक वैसे ही टेम्परेरी फॉर्म में आप इसको जो मर्जी शक्ल दे दें, जैसी भी शक्ल दे दें, इसका कोई इशू नहीं है ऐसा। ये देखिए सीरियल नंबर, लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर ये वाला है, ठीक है। ये हम सिर्फ लिखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जी फलाना जी 105 नंबर वाला जो इसका हमें प्रिंट चाहिए। अब 105 है, हमें यहाँ पे 105 लिखेंगे, 1005। अब हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली वहां से यूजर नेम भी उठा के इधर ले आए, इक्विपमेंट नंबर भी इधर ले आए, इक्विपमेंट का सीरियल नंबर भी इधर ले आए, इस तरह जो भी चीजें आपको वहां पे लिस्ट में आपने लिखी हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं इस जगह पे। अब आपने फार्मूला कैसे लगाना है इसको ये देखते हैं। फार्मूले के लिए आप यहाँ से फंक्शन में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में आप यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हैं वी लुकअप। वी लुकअप करेंगे, ये आपके पास लुकअप के फार्मूले आ गए हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लुकअप है, ये हॉरिजॉन्टल लुकअप है। तो हम अभी आपको वी लुकअप के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो वी लुकअप का फार्मूला आप लगाएंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लग गया। आप देखिए इसमें चार चीजें आपने ऐड करनी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू है जिसको देख के इसने डाटा उठाना है। अब बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि सीरियल नंबर है, ये वो वैल्यू जो हमने पुट करनी है, और ये इसको देखते हुए एक बड़ा टेबल है, अरे है टेबल की पूरी, उसके अंदर से वो डाटा निकाल ले, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वी लुकअप के अंदर जा रहे हैं जी, इसको हम दे रहे हैं ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा देखें, 7D7 हमने इसको दे दिया है, वो बता रहा है जी D7 में इस टाइम 1005 लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम टेबल अरे से देंगे। मैं कह रहा हूँ कि 1005 को तुम फलाने टेबल में देखो जी, कैसे 1005 पे यहाँ पे क्लिक करें, अपनी लिस्ट पे जाएं। लिस्ट पे जाने के बाद इसको मोस्ट लेफ्ट से शुरू करें, यहाँ से ये सर्च करना शुरू करेगा। इसको पूरा टेबल दें, फालतू भी दे दें नीचे, जितना एक्स्ट्रा देना है आपने दे दें, यहाँ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें नीचे भी जो डाटा इंटर करते जाएंगे ये उठा लेगा उसको डाटे को। ये देने के बाद आप देखिए थर्ड आ गया जी, कॉलम इंडेक्स। अब देखें हम यूजर नेम के पोर्शन में बैठे हुए हैं। अब जाके देखें आप लिस्ट में यूजर नेम कौन से कॉलम में है। हमने यहां सेलेक्ट किया था तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूजर नेम जो है आपका वो चौथे कॉलम में, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 4। जो हमने सिलेक्शन किया उसमें कॉलम नंबर लिखना जी 1, 2, 3, 4, कौन सा जी चौथा कॉलम है, हमने इधर 4 लिख दिया। इसने हमें अंदाजन साथ साथ आपको रिजल्ट भी बता रहा है कि अंदाजन इसका रिजल्ट जो है ना वो आ रहा है वकार। फिर आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप पे आपके पास ये नीचे पड़े देखिए 2 ऑप्शन आपके पास।
अगर तो आप एस्टिमेटेड मैच चाहते हैं कि एस्टिमेटेड मैच हो तो आप इसको ट्रू कर देंगे। अगर आप इसको चाहते हैं बिल्कुल फाइन एग्जैक्ट मैच चाहिए आपको, एग्जैक्ट हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वही जो हम सीरियल नंबर डालें उसमें कॉलम फोर में जो भी नाम है वो यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स करेंगे इसे। अभी इसका रिजल्ट भी आ रहा है जी, ये वाला फार्मूला लगाने के बाद ये देखें 1005 नंबर को उसने इस अरे में सर्च किया है, चौथे कॉलम में से उसने डाटा उठाया है और इसको एग्जैक्ट मैच किया, और क्या आया जी, वकार नाम आ गया जो भी हमारे पास लिखा हुआ था। हम इसको ओके कर देंगे, यूजर नेम आ गया वहां से। अब हम इसको चेंज भी करके देखेंगे तो देखना है चेंज होगा लिस्ट के हिसाब से। 101 देखें, 101 के ऊपर क्या है अली, यहाँ पे देखें 101 पे अली है, ये फार्मूला इसमें लग गया। अभी हम इक्विपमेंट के लिए लगाते हैं जी, अब हमने इक्विपमेंट उठाना है 101 के अगेंस्ट, यहाँ पे हम लगाते हैं जी इक्विपमेंट का फार्मूला। फंक्शन में जाएंगे, फिर वी लुकअप में जाएंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, इसको भी सेम वही देंगे, लुकअप वैल्यू ये है टेबल अरे, इसको पूरा टेबल देंगे वही वाला, वहीं से जितना देना चाहते हैं टेबल दे दें। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स में आप देख लें कि इक्विपमेंट कितने नंबर कॉलम पे है, 1 2, सेकंड कॉलम में इक्विपमेंट है, सेकंड कॉलम यहां पे हम ये फॉल्स ही करना है, इसको ओके कर देंगे। ये देखें इक्विपमेंट भी उठा के ले आया। 101 में अली के पास टेलीफोन है, 101 में अली के पास देखें टेलीफोन है, आप इसका टेलीफोन का सीरियल नंबर भी वहां जाना चाहिए। तो इसी तरह हम फंक्शन में जाएंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू फिर वही ये फर्स्ट वाला सीरियल नंबर, लुकअप वैल्यू आपने देनी है, टेबल अरे आपने देना है, यहां से क्लिक करके भी आप टेबल अरे दे सकते हैं, ये आपकी टेबल अरे आ गई। एक्स्ट्रा दे दें इसको जितना भी, क्योंकि फॉर्म आगे बढ़ता जाता है तो आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ, इसलिए इंटर करें। इसके बाद आपके पास आ रहा है जी कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स देखें सीरियल नंबर, इक्विपमेंट का सीरियल नंबर किस किसके अंदर है, इक्विपमेंट का सीरियल नंबर है 1 2 3, कॉलम नंबर 3 में, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे कॉलम 3, ये फॉल्स ही आएगा। देखें सीरियल नंबर भी इसने उठा लिया है। अब इतने जितने भी आपके पास नीचे, आप वहां से जितना डाटा उठाना चाहते हैं आप बड़े ही आराम से इसको उठा सकते हैं। अब हम देखें कोई भी उठा लें यहां से, आप चाहते हैं कि जी 104 का मुझे प्रिंट चाहिए, ये फॉर्म बना हुआ है देखें, इश्यूएंस है यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे देते हैं 104, ये चेक करें 104, मैंने वहां से नंबर दिया उसने खुद ही ऑटोमेटिकली सर्च करके यहाँ पे आपको उसका सीरियल नंबर दे दिया, आप इसको मैच कर सकते हैं, वो कास माउस और इसका ये सीरियल नंबर है 104 पे देखें, वो कास और माउस है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लैपटॉप कुछ भी आगे कर दें, कुछ भी कर दें, USB जो भी लिखते जाएं, 107 है, कोई भी सीरियल नंबर लिख दें, जितना मर्जी लिखते हैं सीरियल नंबर, आगे किसी का भी नाम लिख दें, कोई जो भी डाटा आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली, वो कर दें आप, जिसका भी नाम है आप अपना नाम जो भी है वहां पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नाम और लिख दिया, अब हम चाहते हैं जी ये नया बंदा हमने इंटर किया है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ 107 का मुझे, 1007 का मुझे प्रिंट चाहिए, 1007 देखें फॉर्म के अंदर जी मुबशर को हमने USB दे दिया, ये बेसिकली आपका वी लुकअप का फार्मूला है। बहुत ही आसानी हो जाती है इन फार्मूलों को लेके, अगर आप अपनी चीज़ें चलाएं तो आपको बहुत ही आसानी होती है। अब आपको लिस्ट भी चाहिए, आपको उसके फॉर्म प्रिंट भी करना है, तो ये बहुत आसानी है कि लिस्ट तो बना ही रहे हैं आप, फॉर्म ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, आप जस्ट ये नंबर चेंज करते जाएं, नंबर चेंज करें। अब देखें 1008 में कुछ भी नहीं है, 1008 में कुछ नहीं है तो उसने 00 दे दिया हमें,
कि इसमें कुछ है ही नहीं, नो वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है 1005, ये हो गया वी लुकअप का फॉर्मूला। हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट में बताएं हमें, आपको किसी किस्म का भी अगर कोई मसला है तो हम आपका मसला हल करने के लिए ही बैठे हुए हैं। आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।